आपके द्वारा काफी प्रयास किए गए हैं लोगों को अंदर रहने के लिए, लोग रहते भी हैं, आप लोग उनको प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो सब्जी की दिक्कत आ रही लोगों को, इसके लिए कोई नगर निगम वो नियम नहीं बना पा रहा है, किस तरह से डिप्लॉय करना है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग है ना बिल्कुल रीवा के नगरवासी हैं, उनसे अभी बिल्कुल है ना सहयोग मिल रही है, काफ़ी हद तक है ना लोग है ना घर पे रह रहे हैं, तो सिर्फ कुछ ही लोगों के ना लापरवाही हो रही है, अदरवाइज़ हमारी शहरी क्षेत्र में केसेस की संख्या में भी है ना कम होते हुए दिखाई दे रही है, सो इसको है ना लगातार बनाए रखने के लिए हमको जनता कर्फ्यू को लगातार है ना जारी रखने का ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ हम लोग बिल्कुल ये रियलाइज़ किए कि जनता के ना एसेंशियल आइटम्स हैं, किराना है, सब्जी है, उसका निरंतर है ना हर वार्ड में ना सप्लाई हो, इसके हम लोग नगर निगम के साथ ना प्लानिंग किए गए, नगर निगम ने उसका लागू करने के लिए शुरू किया है, तो हर वार्ड में सब्जी और है ना अदर आइटम्स किराना का आइटम्स हैं उसको नगर निगम के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। इवन हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे किराना का आइटम्स का रेट सूची हैं उसको हम लोग ने होम डिलीवरी की कितने भी दुकानदार हैं उनके माध्यम से पब्लिश किया जाएगा, सो जनता ये भी देख सकते हैं कि मतलब कौन सी रेट पे क्या मिलेगा, सो कहीं भी सस्ता मिलेगा तो वहाँ से वो ऑर्डर करके ले भी सकते हैं। कहाँ तक सब्जी और फल है, हम लोग ये भी समझते हैं कि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ महामारी है, सो सब्जी और फल को निरंतर लोगों को दिलाना भी है ना उनको है ना हेल्थ को है ना सही तरीके से बनाए रखने की हमारी ना जिम्मेदारी है, इसके लेकर अभी आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही है ना मतलब काफ़ी कुछ है ना सुधार हर वार्ड में दिखाई देगा, नगर निगम के माध्यम से हम लोग है ना इस व्यवस्था को बनाएंगे।